अद्वैत उपचारात्मक शिक्षा एवं चिकित्सा में अग्रणी केंद्र। बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, चीखना, चिल्लाना, मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम आदि की लत वाले बच्चों के निदान के लिए असेसमेंट तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक थेरेपी व उपचारात्मक शिक्षा व्यवस्था। संपर्क करें अद्वैत सी ब्लॉक, पंचशील नगर, मागड़वाली रोड, अजमेर। हेलो, आज छुट्टी के दिन सतर्कता समिति की बैठक रखी गई है, जिस जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने सतर्कता समिति बनाई है। मुझे लगता है कि सतर्कता समिति भी पूरी तरह से औपचारिक बन गई है। जिन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी होती है, जिला कलेक्टर नदारद हैं। विभाग के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी होने चाहिए थे, लेकिन जिन विभागों की शिकायत है केवल उन्हीं विभागों के अधिकारी कर्मचारी इस मीटिंग में आए हैं, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ औपचारिकता मात्र है। किशनगढ़ के परिवार इसमें सबसे ज्यादा है, जबकि शहर में हर कोई व्यक्ति परेशान है। अतिक्रमण के कारण से, नक्शा पास नहीं होने के कारण से, गलत नक्शा पास होने के कारण से, और भी बहुत सारी अवैध कार्यवाही के कारण से लोग परेशान है, लेकिन यहाँ सतर्कता समिति में वो एजेंडा में रखे नहीं जाते। जब कोई विधायक महोदय उनको कहे कि इसको सतर्कता समिति में आप एजेंडा में रखिए, तभी वो सूचीबद्ध होते हैं। ये शर्मनाक बात है, जबकि जो भी व्यक्ति सतर्कता समिति में अपना परिवार देना चाहता है वो रख सकता आम आदमी भी, लेकिन जब तक कोई राजनीतिक अप्रोच किसी की नहीं होती है तब तक सतर्कता समिति में मैटर नहीं रखे जाते। इसका मतलब साफ है कि ये सरकार, कांग्रेस की सरकार में तानाशाह रवैया पूरी तरह से हावी है। यहाँ अफसरों का शासन है और मन मर्जी से अफसर अपनी मर्जी से अपना जैसा चाहता है वैसा काम करते हैं, और उसके कारण से जनता बहुत परेशान है। आपने कोई शिकायतें रखी है आज? लगातार 3-4 महीने से जो आम जन की शिकायत है, जो आम जन रखता है, दक्षिण की विधायक होने के नाते से मैं उन समस्याओं पर विशेष गौर करती हूँ, और उसी नाते से सतर्कता समिति में हर मीटिंग में कोशिश करती हूँ कि मैं हर सतर्कता समिति में भाग लूँ, लेकिन उन विषयों को भी जिला प्रशासन के अधिकारी बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक विषय ऐसा है जो पिछले 6 महीने से चल रहा है, लेकिन उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कोई समिति और 6 महीने से वो प्रकरण चल रहा है, इससे हम सोच सकते हैं कि कितनी घोर लापरवाही ये प्रशासन बरतता है। कौन सा मामला? अजमेर का ही मामला, अजमेर दक्षिण का ही मामला है। 2-3 मामले हैं जो 2-3 6 महीने से चल रहे हैं। एक तो विकास की दृष्टि का ही मामला था, जो बाईपास वैकल्पिक रोड है, उस बाईपास वैकल्पिक रोड पर बिजली के टावर है, उनको अंडरग्राउंड करना था। लगातार मेरे कहने से उनको अंडरग्राउंड नहीं किया गया, और अब जाकर के वो काम पूरा हुआ। लगभग उस काम में 6-8 महीने लगे हैं।